Define work. Work is done when a force moves an object over a distance. It is calculated by multiplying the force applied to the object by the distance the object moves in the direction of the force. The formula for work is work equals to force into distance, work is a scalar quantity. इसका हिसाब इस चीज पर लगाई जाने वाली कुवत को इस फासले से जरब देकर लगाया जाता है जो चीज कुवत की संप में हरकत करती है काम का फार्मूला है काम बराबर है कुवत जरब फासला के काम एक स्केलर क्वांटिटी है वट इज द यूनिट फॉर वर्क द यूनिट फॉर वर्क इज द done by वर्क डन of अ फोर्स ऑफ a डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर फॉर्मूला ऑफ जूल इज टू एन इनटू एम काम का यूनिट क्या है काम का यूनिट जूल है जूल की तारीफ एक न्यूटन की कुवत के जरिए किए जाने वाले काम के तौर पर की जाती है जिसकी वजह से एक मीटर की नकल मकानी होती है जूल का फार्मूला जे बराबर है एम के है डिफाइन एनर्जी नेम फॉर्म्स Energy is the capacity of a body to do work. Different forms of energy are potential energy, kinetic energy, heat energy, chemical energy, electrical energy, etc. Energy ki tarif karein. Iski forms ke naam bataein. Energy jism ki kam karen ki saalaheyat hai. Energy ki مختلف شکلیں Potential energy, kinetic energy, heat energy, chemical energy, electric energy, etc. Define kinetic energy. Kinetic energy is the energy that an object has as a result of its movement. That means when a body is in motion, it has kinetic energy. Kinetic energy is a scalar quantity. Example: wind blowing, person walking, a boy kicking a ball, etc. Formula is KE. Is equal to 1 इक्ट टू की तारीफ करें किनेटिक तवानाई वो तवानाई है जो किसी चीज को अपनी हरकत के नतीजे में हासिल होती है यानी जब कोई जिस्म हरकत में होता है तो इसमें किनेटिक तवानाई होती है किनेटिक तवानाई एक स्केलर क्वांटिटी है मिसाल के तौर पर हवा का चलना चलने वाला शख्स एक लड़के का गेंद को लात मारना वगैरह फार्मूला है कि ई एम वी के बराबर है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी गिव इट्स एग्जाम्पल्स पोटेंशियल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स फिजिशियन और पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी दैट हैज द पोटेंशियल टू बिकम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एग्जाम्पोल फुटपॉ हैज पोटेंशियल एनर्जी विच टर्स टू खनैरिक एनर्जी फॉर्मूला इज फीईक्स टू एमजी पोटेंशियल एनर्जी की वजाहत करें इसकी मिसालें दें पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी की एक किस्म है जिसमें किसी चीज को इसकी पोजिशन की वजह से हासिल होता है या पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो एनर्जी की दूसरी शक्ल बनने की सलाहियत रखती है मिसाल के तौर पर फुटबॉल में पोटेंशियल एनर्जी होती है kinetic energy formula What is mechanical energy, mechanical energy, kinetic energy, or potential energy, is the energy of either an object in motion or the energy that is stored in objects by their position. example, a boy kicking a ball, wind, a moving car, etc. Mechanical energy क्या है? mechanical energy. किनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी यह तो हरकत में मौजूद किसी शय की एनर्जी है यह वो एनर्जी जो अशिया में उनकी पोजिशन के मुताबिक जमा होती है मिसाल के तौर पर एक लड़के का गेंद को लात मारना हुआ चलती हुई कार वगैर व हीट एनर्जी हीट एनर्जी ऑल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वार्म टू अ कूलर ऑब्जेक्ट इट कम्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एडम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस हीट इंक्रीसेज वन दीज पार्टिकल्स मूव फैस्टर एग्जाम्पल द हाट ही ट्रेंसफर्स हीट एनर्जी टू दग एंड टू देंड ट हीट एनर्जी क्या है हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है ये एक गर्म से ठंडी चीज में एनर्जी की मुंतकली है ये किसी चीज में एटम्स और मालिक्यूल्स की हरकत से आता है जब ये जरा तेजी से हरकत करते हैं तो हीट बढ़ जाती है मिसाल गर्म चाय एनर्जी को मग में और फिर इसे छूने वाले हाथ में मुंतकिल करती है वट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइटनिंग एट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉनों की एक मकाम से दूसरे मकाम तक हरकत से पैदा होती है Electronic what is sound energy? Sound is energy that we can hear. It is a type of kinetic energy that is made from the vibration of matter. It travels in the form of waves. Example when someone plays a guitar, the strings vibrate and transmit energy. Other examples are a buzzing bee, a balloon popping, an airplane taking off, etc. साउंड एनर्जी क्या है साउंड वो एनर्जी है जिसे हम सुन सकते हैं ये एक किस्म की किनेटिक एनर्जी है जो किसी चीज की थरथराहट से बुनती है ये लहरों की शक्ल में सफ़र करती है मिसाल के तौर पर जब कोई गिटार बजाता है तारें हिलती हैं और एनर्जी की मुंतकली करती हैं दूसरी मिसालें बनाती हुई मक्खी गुब्बारे का फूटना हवाई जहाज का ओढ़ना वगैरह है वट इज लाइट एनर्जी Light energy is a kind of kinetic energy that can be seen by the human eye. It is emitted by hot objects like fires, bulbs, and the sun. The energy of light waves is transferred in the form of energy packets called photons. Plants need light energy from the sun to make food. Light energy is a ki kinetic energy hai, jise insani ये आग बल्ब और सूरज जैसी गर्म अशिया से खारिज होती है रोशनी की लहरों की एनर्जी पैकेटों की शक्ल में मुंतकिल होती है जिसे फोटोन कहते हैं पौधों को खुराक बनाने के लिए सूरज की लाइट एनर्जी की जरूरत होती है केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन दान्स ऑफ केमिकल खाम्फैम्स सच इज एरम्स एंड मॉलिक्यूल्स जी किया हैमिकल एनर्जी कॉम्पाउंड्स जैसे एटम्स और मालिक्यूल्स के बाड्स में महफूज होती है ये मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन से हासिल होती है मिसाल के तौर पर खाने में मौजूद केमिकल एनर्जी तब खारिज होती है जब खाना हजम होता है What is nuclear energy? Nuclear energy, also called atomic energy or atomic power, is a form of energy released from the nucleus of atoms. Example Nuclear energy produces electricity that can be used to power homes, schools, businesses, and hospitals. न्यूक्लियर एनर्जी क्या है न्यूक्लियर एनर्जी को अटामिक एनर्जी या अटामिक पावर भी कहा जाता है एटम्स के न्यूक्लियस से खारिज होने वाली एनर्जी की एक शक्ल है मिसाल न्यूक्लियर एनर्जी बिजली पैदा करती है जो घरों स्कूलों कारोबारों और अस्पतालों में इस्तेमाल की जा सकती है हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल अ थर्मल पावर स्टेशन इज अ फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन which burns fossil fuels such as coal or natural gas to produce electricity this electricity is known as thermal electricity here the heat energy of the coal combustion is converted into electrical energy se bijli kaise paida hoti hai thermal power station a fossil fuel power station which jo electricity paida karne ke liye fossil fuel jaise koila ya kudrati gas jalaata hai इस इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है यहां कोयले के जलने की हीट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में बदल जाती है एक्सप्लेन फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर इट इज अ डायग्राम यूजिंग शेप्स एंड एरर्स टू शो स्टेप्स एंड फ्लो ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इट शोज हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्डेड इंटू अ नदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एग्जैंपो न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्डेड इन ट हीट एंड्रिकल एनर्जी एनर्जी कन्वर्टर के फ्लो डाइग्राम की वजाहत करें ये एक डायग्राम है जिसमें एनर्जी की तब्दीली के और फ्लो को जाहिर करने के लिए शिप्स और एरोस का इस्तेमाल किया गया है ये बताता है कि एनर्जी की मुख्तलिफक्लों को एनर्जी की दूसरी शक्ल में कैसे तब्दील किया जा सकता है मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी हीट और इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाती है Using a flow diagram, show the flow of energy in a hydroelectric power plant. In a hydroelectric power station, potential energy of stored water is converted into kinetic energy as the water flows down. This kinetic energy then turns a turbine, converting it into mechanical energy. The turbine drives a generator, which transforms the mechanical energy into electrical energy. फ्लो डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में एनर्जी के फ्लो को जाहिर करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जखीरा शदा पानी की पोटेंशियल एनर्जी पानी के नीचे बहने के साथ ही किनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है ये किनेटिक एनर्जी फिर एक टर्बाइन चलाती है जो उसे मकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है टर्बाइन एक जनरेटर चलाती है जो मकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देती है Define efficiency of a system. Write its formula. The ratio of output work to input work in a machine is called efficiency. You can measure it by using the following formula Efficiency is equal to output divided by input. System efficiency ki kare. Iska formula liki. Kisi machine may output work or input work ke ratio ko efficiency kaha jata hai. Iska formula hai? Efficiency barabar hai input se takseem shada output ke. Define power and write its formula. Power is defined as the rate of doing work. The formula is P is equal to W divided by T, which is power is equal to work done divided by time taken. The SI unit of power is watt. 1 watt is 1 joule per second. पावर की तारीफ करें और उसका फार्मूला लिखी पावर को काम करने की शरा कहा जाता है फार्मूला है पी बराबर है डब्ल्यू बाई टी यह फिर पावर बराबर है तकसीम शदा काम के और लिए गए वक्त के पावर की ऐसा यूनिट वॉट है एक वॉट एक फी सेकंड है डिफाइन यूनिट ऑफ पावर वॉट a body is said to have one watt of power if it can perform one joule of work in one second bigger units of power are kilowatt megawatt and horsepower etc one watt is equal to one joule per second one kilowatt is equal to one thousand watts one megawatt is equal to ten million watts one horsepower is equal to seven hundred and forty six watts power. Ke unit watt ki एक बॉडी को कहा जाता है कि इसके पास एक वॉट ताकत है अगर वो एक सेकंड में एक जॉल काम कर सके एक वॉट एक जाउलफी सेकेंड के बराबर है एक किलो वॉट एक हजार वॉट के बराबर है एक मेगा वाट एक करोड़ वॉट्स के बराबर है एक हार्स पावर सात सौ छियालीस वॉट के बराबर है